देखिए, मोस्टली लोग का क्वेश्चन था कि जो BMS के डॉक्टर्स होते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो BMS का कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है। उसमें 4.5 साल जो होता है वो सिर्फ हम लोगों को पढ़ाई पढ़ाई करनी होती है, और 1 साल होता है वो इंटर्नशिप का होता है। और इंटर्नशिप करते टाइम हम लोगों को पैसे भी मिलते हैं, और ये पैसे वैरी करते हैं 8,000 से लेकर 20,000 तक। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है। अब देखिए, जब हम लोग BMS का 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो हम अपना क्लिनिक स्टार्ट करके खुद से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आता है चाहे आप MD करें या MS करें, दोनों ही 3-3 साल के कोर्सेज होते हैं। इनको बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कि जो लोग BMS 5.5 साल करके फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो MD या MS नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपना क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उनकी क्लिनिक कितनी चल रही है। आपके पास जितने पेशेंट आएंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग लाखों में भी हो सकती है, आपके पास कम पेशेंट आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग कम होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं। तो BMS के डॉक्टर 1,000 से लेकर 2,000,000 तक भी कमाते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप कितनी अच्छी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे पेशेंट एकदम सही हो जाता है। और पेशेंट अगर आप एक बार सही कर देते हो, अगर उस पेशेंट को अगेन कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो वो दोबारा आपके पास ही आएगा। इसके अलावा आप उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, उसके जो रिलेटिव्स होंगे, उनको भी वो लेकर आपके पास आएगा। आप पेशेंट को अगर सही कर ले रहे हो, अच्छे से उनको ट्रीट एंड क्योर कर दे रहे हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि उस टाइम आपकी पॉपुलरिटी बढ़ती जाती है, लोग आपको ज़्यादा जानने लगते हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है एक BMS डॉक्टर की सैलरी।